मामा क्या हुआ, कुछ खो गया है क्या? अरे नहीं नहीं, बस हम ऐसे रास्ते के गड्ढे गिन रहे हैं। गड्ढे गड्ढे तो भर रहे हैं, गड्ढे कौन से ढूंढ रहे हैं मामा? हाँ, इतना समय काहे लगा रहा है छोटू, कहीं नहीं आया अब तक? कैसे चलाएंगे बताओ? छोटू तो अरे दीदी, हमने सारा रास्ता देख लिया लेकिन पैसे कहीं भी नहीं मिले। तुम सही कह रही हो सुरीली, अगर पैसे रास्ते में गिर गए होंगे तो किसी ने उठा लिए होंगे। वैसे रास्ते में गिरे हुए पैसे तो पिताजी उठाते थे। कब अकेले कर रहे हो? हम कौन बचाएगा हमको? अरे भगवान, अरे भगवान, आ गंगा मैया, आ गंगा मैया, हनुमान हनुमान बचा लो हनुमान। अरे क्या हनुमान, अरे हमें तो ये लग रहा है हनुमान कि मनी ऑर्डर के पैसे खो जाने के गम में तुम पगला गई हो। दीदी अगर तुम पगला गई तो हमारा क्या होगा? चुप करो, ही सोचो, पैसे ना ही मिलेंगे तो हम सबका क्या होगा बताओ? महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे? सबका उधार कैसे चुकाएंगे? इस सुरीली का कॉलेज का कौन करता है उसे? वो फीस कैसे भरेंगे बताओ? अभी चश्मे वाला और राशन वाला भी आता ही होगा। अरे ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, आप लोग यहाँ? अरे अम्मा, यहाँ नहीं तो क्या लाल किला जाते या इंडिया गेट जाते? अरे लाल किला और इंडिया गेट तो पिताजी जाते थे। वाह मामा वाह, हमें खुद ही घर बुलाकर ऐसे बन रहे हो जैसे तुमको पता ही नहीं हो कि हम लोग यहाँ आने वाले। देखो बात ये है कि मौसी, बात बात छोड़ो, हमको हमारे पैसे दे दो, हमारी दुकान में कोई नहीं है। अरे हाँ मामा, हमें भी पैसे दे दो, हम भी दुकान जो है अपनी नौकर के भरोसे छोड़ के आए हैं। हाँ देखिए, ये बात सच है कि हमने आप लोगों को पैसे लेने के लिए बुलाया था लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? अरे मामा, आपने तो कहा था कि मनी ऑर्डर आ गया है। अभी तो बता रहा है, देखो सुरीली के बापू का मनी ऑर्डर आ गया। आज छोटू डाकखाने गया भी था, उसने पैसे लिए हैं लेकिन कहा है कि पैसे रास्ते में गिर गए। क्या रास्ते में गिर गया? हाँ। मामा पे आए, एक पे या पे डिंग 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 डिंग। बस मामा, तुम पहले भी हमें दो तीन बार बेवकूफ बना चुके हो, अब हमें हमारा पैसा चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, हमको हमारा पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए जो सच था वो हमने आपको बता दिया, हम आपके पैसे लेकर थोड़ा ही भाग रहे हैं। वैसे पैसे लेके तो पिताजी भागते थे। क्या तुम्हारे पिताजी ऐसे थे तो तुम भी तो ऐसे ही होंगे? ऐसा ना कहो, हम सच कह रहे हैं। देखो हम हाथ जोड़ते हैं, है? थोड़ी और मोहलत दे दो, हम एक एक पैसा चुका देंगे, कह रहे हैं। देखो अब हमें कोई नहीं समझा सकता, अब हम यहाँ से पैसा लेके जाएंगे ही जाएंगे। हाँ हाँ,
समझ गए या फिर से समझवाएं? समझ गए। शाबाश सुनीली, शाबाश। ठीक है मामा, अब हम तुम्हें आखिरी 3 दिन की मोहलत देते हैं, और अगर अगले 3 दिन तक हमें पैसा नहीं मिला ना, तो फिर हमें मत कहना। हाँ हाँ, 3 दिन मतलब 3 दिन। दीदी, 3 दिन मतलब 3 दिन। ओ, 3 दिन। दीदी, हम एक काम करते हैं। कहाँ? हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मुकुंदी बाबू से या फिर किसी गांव के किसी आदमी से हम सहायता ले लें, और अगले महीने जैसे ही मनी ऑर्डर आएगा हम उसके पैसे चुका देंगे। हाँ, सही कह रहा है तू। हाँ, अरे सुरीली, हम सहायता लेने की बात कर रहे हैं, कोई हाथ थोलाई फैला रहे हैं किसी के आगे। बेटा वो सही कह रहा है, भीख थोड़ी ना मांगना है, सहायता मांगनी है। अब तुम बताओ, सहायता नहीं मांगेंगे तो महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे बताओ? अब मतलब काम करेंगे, मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। क्या कह रही है? अरे कह रही है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ही कह रही है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएगी, वो क्या कहते हैं ना। अच्छा ना बेटा ना, आ तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ देखा, तू घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसा कर सकती है? हम भी कुछ काम कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, देखा पापड़ है, पापड़ बना बना के बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और चुका भी देंगे। छोटू बेटे, तू क्या करेगा? अरे हम भी कोई काम धंधा कर लेंगे, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट की जेब से पैसे जा सकते हैं कैसे। मेरे बच्चों, तुम नहीं आओगी बेटा लिट्टो? हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं ना आ जाओ। ये बात, चलो तुम लोग मौसा से मिल लिए, अब वहाँ जाकर खेलो, मौसा को बैठने दो। हाँ क्या बात, तुम्हारी सासांडूस नजर नहीं आ रही। ओ गुड्डू की अम्मा के यहाँ दरबार का देहरादून लगाने गई है, आप बैठिए, हम आपके लिए भी चाय चढ़ाते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? देखो बिंदुमती, वैसे तो तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक ही है, लेकिन हम इंदुमती को जानते हैं, जब तक तुम्हारी अम्मा की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो वापिस नहीं आएगी। हाँ, वो तो है। तो हम सोच रहे थे कि वो इतने दिनों से वहां है, अगर इस बार तुम वहां चली जाओ कुछ दिन के लिए, तो फिर वो अपने घर वापिस आ जाएगी, जरूरत होगी तो वो दोबारा वहां चली जाएगी। हाँ ये बात तो आप बहुत सच कह रहे हैं जीजा। क्या सच कह रहे हैं? अरे बिंदुमती कहीं नहीं जाएगी, तीन तीन ठो लड़कियां हमारी कौन संभालेगा? आप संभालेंगे। हम क्या है? अरे हम चुकू को संभाल सकते हैं, तो क्या आप अपनी 3 बेटियों को नहीं संभाल सकते? सुनो, हम कोनो डाक खाने में काम नहीं करते हैं, जो गए चिट्ठियों पे मोहर लगाए और चले आए। 501 काम है हमारे पास, 501। PWD में काम करता, PWD में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। नहीं तो, अरे तुम्हारी तो 1 बेटा है, हमारी 3-3 बेटियां हैं, यानी कि 3 गुना जिम्मेदारी। हम बिंदुमती को मायके जाने की अनुमति नहीं देंगे। एक बात कहे लल्लन जी, अगर चुकू को बिंदुमती संभाल रही है तो क्या इट्टो बिट्टो लिट्टो को इंदुमती नहीं संभाल सकती? देखिए हमको वो सब नहीं पता, बिंदुमती नहीं जाएगी का मतलब है नहीं जाएगी बस। तो ठीक है, मत भेजिए। अरे समझता का ही नहीं, हमको कौन संभालेगा? तुम्हारी अम्मा है?
अरे मुकुंदी भैया कहाँ है बिजी पांडे? अरे भैया तो बाद में बताएंगे मुकुंदी भैया की बात क्या है, पहले आप बताइए कि बात क्या है, इतने उखड़े हुए क्यों हैं? जिनकी जिंदगी में होते हैं दुखड़े वो ऐसे ही रहते हैं उखड़े उखड़े। हमारी छोड़ो तुम अपनी कहो। अरे क्या कहें पापा, कसम आपके कहने पे जाके मामा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, साथ में उनको गले भी लगाया, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये मुकुंदी भैया कि मामा ने उस फ्रेंडशिप के हाथ को झटक दिया और बाल्टी भर भर के भैया के इंसल्ट की। बताइए क्या फायदा हुआ? होगा बिजी पांडे फायदा होगा, तुम हिम्मत मत हारो, बस प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं इंदुमती को मायके से वापस लाने का। समझे भैया? समझे तुम? समझे? अबे प्रयास करो अपनी बीवी को मायके से वापस लेके आने की, समझे कि नहीं? हाँ भैया, लेकिन आप तो अपनी होने वाली वाइफ को मायके से ससुराल लाने का प्रयास कीजिए, और बहुत भूख लगी है, चल के कुछ खिलाने का अभ्यास कीजिए। वहाँ भैंस खड़ी है, जाके दूध पी लो। मामा, ओ मामा, अरे मामा बात क्या हेंगी? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा हेंगे कि जैसे किसी गधे को कई दिनों से घास चरने को नहीं मिली हो। घास चरने को तो पिताजी को नहीं मिलती थी। तो फिर क्या बात हेंगी मामा, कहीं तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा हेंगे? अरे पेट में दर्द नहीं अलीजा, दिल में दर्द है। क्यों मामा, चमेली मामी की याद सता रही हेंगी? अलीजा या वैसे ही हम उदासी का चूरन भाग रहे हैं और तुम चमेली का चमन प्राश खिला रहे हो? नहीं नहीं मामा, सच सच बताओ बात क्या हेंगी, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकते हेंगे। अरे अलीजा कुछ भी नहीं, हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, तुम सुत्ती लाल की दुकान पर चलो, हम आते हैं अभी। ठीक हेंगे, हम जाके तुम्हारे लिए बढ़िया सा चाय बनवाते हेंगे। चलो। अरे मुकुंदी बाबू सुनिए। कहा सुने? तुम्हारे पिताजी के किस्से? अरे पिताजी के किस्से तो पिताजी सुनाते थे। देखिए हम तो आपसे सलाह लेना चाहते हैं, हम आपसे ये सलाह लेना चाहते हैं कि हम कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम करें। एक काम करो मामा, तुम सिर्फ आराम करो, क्योंकि ना तो कोई काम तुम्हारे लिए बना है और ना तुम काम के लिए। बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हैं मुकुंदी बाबू, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि हम क्या काम, मतलब। अरे रहने दो मामा, तुम वैसे ही बहुत अजीब आदमी हो। अरे तो अजीब आदमी क्या काम धंधा नहीं करते हैं? वैसे भी आजकल देश में अजीब अजीब आदमी ही बड़े बड़े काम धंधे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने ये कैसे कह दिया कि हम बहुत अजीब आदमी हैं? अगर अजीब आदमी ना होते ना तो बिजी पांडे ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना, उसे यूं ना झटकते। अरे उसने इतने प्यार से तुम्हें गले लगाया और तुमने उसी को लताड़ दिया। अरे बीच में बिजी पांडे कहां से आ गया? खैर वो छोड़िए, बस आप हमें सलाह दीजिए। ऐसा है मामा, हमारे बस में नहीं है तुम्हें सलाह देना, हम चलते हैं प्रभु। अरे अरे मुकुंदी मुकुंदी बाबू, ओहो बगैर सलाह दिए ही चले गए। लेकिन इनको ये कैसे मालूम कि हमने बिजी पांडे को लताड़ा था? बिजी पांडे, बहुत सही बोला आप, जल्दी से गले मिल लो। अरे दे 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 दे, दे, दे। दीदी दीदी मिल गया मिल गया मिल गया, दीदी मिल गया मिल गया मिल गया। अरे सुरीली मिलता नहीं तो जाता कहाँ? मिला कैसे बताओ? अच्छा गले लग गए। काम खाली कर रहा है, हमारे कहने का मतलब है किसी की नजर तो नहीं पड़ी उस पर? किस पे? हाँ पैसे पर, और किस पर? अरे किसके पैसे? हाँ हमारे पैसे हैं। अरे तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ वो तो तुम्हारे पास है। हमारे पास कौन से पैसे? हाँ तुम्हारे जीजा जी के पैसे हैं। अरे जीजा जी हमें कब दे के गए पैसे? मनियाडर के पैसे? अरे लेकिन वो तो खो गए है ना? हाँ वही तो मिल गए है ना? सच मिल गए पैसे? दीदी कहाँ है पैसे? पैसे तो तुम्हारे पास है। हमारे पास नहीं, हमारे पास पैसे कहाँ है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कहाँ है? गले का गलियारा बना रखा है। मिल गया मिल गया मिल गया, पैसे कहाँ हो गया?
अरे पैसे थोड़ा ही मिल गए हैं, बल्कि पैसे चुराने वाला वो चोर मिल गया है जिसने हमारी जेब से मनी ऑर्डर के पैसे चुराए हैं। कौन है? अरे दीदी, उसने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और हमसे गले भी मिला, और जब वो हमसे गले मिल रहा था ना, तभी उसने मौका पाके हमारी जेब में हाथ डाल के मनी ऑर्डर के पैसे चुरा लिए। लेकिन है कौन वो चोर? है वो, है वो। अरे और कौन हो सकता है दीदी, वो चोर है बिजी पांडे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, जब हम डाक खाने से निकले थे तब हमारी जेब में मनी ऑर्डर के पैसे थे, और जब हम लापतागंज के गेट पे पहुंचे तब भी हमारी जेब में मनी ऑर्डर के पैसे थे, और जब हमसे बिजी पांडे मिला तब भी हमारी जेब में मनी ऑर्डर के पैसे थे, और उसके बाद जब बिजी पांडे हमसे गले मिला, और उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो हमारी जेब से पैसे गायब थे। चुप कर, गलतफहमी तुम्हें हो रही है, हैं? बिजी पांडे को अच्छा समझती है ना, देखो कैसे निकला है चोर कहीं का। अच्छा, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम उससे पूछोगी और वो तुम्हें बता देगा। अरे पूछने दो दीदी, बात कर रही है। दुश्मन हो गए हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.